राजपाल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोक है, इसमें क्या सवाल पूछना है? कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी। नहीं, कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियां, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाई ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयां नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी भैया सदर को। और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए। सुना है अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में उनका ये संकेत देना ये स्पष्ट कर देता है कि मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है, और इसीलिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए अब वो कन्नौज जा रहे हैं। लेकिन कन्नौज जाकर तो फिर गलती होगी। इत्र वाले मित्र के सहारे वो कन्नौज अगर जीतना चाहते हैं तो उन्हें पिछला परिणाम याद करना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में उनके गढ़ को ढहा करके वहां कमल का फूल खिलाया था। कन्नौज जाना अखिलेश यादव की भूल साबित होगी।